आज के 7 नंबर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष इस्तमाउद्दीन हक और जावेद साहब और मंच संचालन करता मुनस्सर जी, सब लोग तो अपना बक्तर दे ही दिए, अब बोलने को क्या बचा है। लेकिन ये जो केंद्र में और राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है, इससे होशियार रहने की जरूरत है। ये जो है ये जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलाबाजी कर रहा है, वो लड़ाने का काम कर रहा है, ये झूठा वादा कर रहा है लोगों से, लेकिन काम का कोई बात नहीं कर रहा है। ये जो नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष जो सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया, क्या पूरा किया किसी को? एक भी नौजवानों को नौकरी नहीं मिला। 5 वर्ष में 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना था, लेकिन मुश्किल से 10,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दे पा रहे। तो इसीलिए ऐसे लोगों को होशियार रहना है। और हमारे नीतीश जी के बारे में क्या कहना, आप सब लोग तो जानते ही हैं कि ये नीतीश कुमार जेल जाने के डर से ये जो सीजन घोटाला किए और सारे घोटाला जो हुआ है उसके जेल जाने के डर से ये बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का काम किए। और 2019 में इन लोगों को सबक सिखाना है। आप तमाम नौजवान बुजुर्ग सबको से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को सबक सिखा करके और इन लोगों को गद्दी से हटाना है। ये नोटबंदी के नाम में लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाया, जीएसटी लाने से सारे लोगों को नुकसान है। कोई गरीब एक बोरा सीमेंट लेने जाता है उसको भी जीएसटी देना पड़ता है। नोटबंदी में कभी आपने देखा कि बड़े बड़े लोगों ने लाइन लगा करके अपने नोट जमा किया? जितने भी नौजवान लोग थे, गरीब मजदूर किसान थे, जो अपने मेहनत के पैसे को जुटा कर रखे थे, 10-100 रुपये जुटा करके रखे थे, वो नोट बंद होने के डर से बैंक में लाइन लगा। बैंक में लाइन लगने के दरमियान आप लोगों ने देखा कितने लोग तो जान से हाथ धोना पड़ा, कोई लाइन में ही मर गया। इससे बड़े लोगों को नुकसान नहीं, छोटे लोग, काला धन क्या छोटे लोगों के पास था? ये बोला था विदेश से मैं काला धन लाऊंगा, विदेश से तो ला पाया नहीं, लेकिन अपने देश के ही गरीब गुरबा किसान मजदूर मजबूरी लोगों को लाइन में खड़ा करा करके और ठगने का काम किया। भाइयों, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों की चालाकी को पकड़ने की जरूरत है। ऐसे लोग सोच रहे हैं हम चालाक हैं और बाद बाकी जो किसान मजदूर और बेरोजगार लोग है ये बेवकूफ है। ऐसे लोगों को 2019 और 2020 में सबक सिखाना है। और मैं विशेष क्या कहूँ, यही बात कहकर मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल।